नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित राम दुबे आप सबके समकक्ष एक दफे दोबारा से मिथुन लग्न में जन्मे व्यक्ति के स्वभाव के बारे में लेके आया हूँ, उनके उसके फल के बारे में लेके, कुंडली मिथुन लग्न की लेके आया हूँ। और आशा करता हूँ आप सबको ये जानकारी प्राप्त करके अच्छा लगेगा। और जो जातक मिथुन लग्न में जन्म लेते हैं, उनका स्वभाव, उनके करियर के बारे में, उनका रंग कैसा होता है, उनका रहन रहना, खान पान कैसा होता है, उसके बारे में मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूँ। तो आइए, मिथुन लग्न में जन्मे हुए जातक के बारे में बताता हूँ। मिथुन लग्न का स्वामी बुधदेव हैं, बुध जी हैं। और मिथुन लग्न वाला जातक जो होता है, गौर वर्ण का, चंचल आँखों वाला, सामान्य एवं ऊंचे कद वाला होता है। जातक अस्थिर किंतु मौलिक विचारों से युक्त, तीव्र बुद्धि, परिवर्तनशील, प्रकृति के साथ रहता है, प्रकृति के नियमों के साथ चलता रहता है। जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे उसके अंदर परिवर्तन आता रहता है। मित्रों को हर प्रकार से सहायता तथा नीति के अनुसार आचरण करने वाला, तर्क वितर्क करने में कुशल, दूर दूर के स्थानों की यात्रा करने वाला, देश विदेश की यात्रा करने वाला और सौभाग्य प्राप्त करने वाला होता है। जातक में बुद्धि तत्व एवं भाव तत्व दोनों प्रबल होने के कारण पठन पाठन, कानूनी कार्य, व्यापार संबंधी और लेखन संबंधी कार्यों को बड़ी गंभीरता से करता है। मजबूत हृदय वाला परंतु नर्म स्वभाव होने के कारण कमजोर समझा जाने लगता है। दुस्वभाव होने के साथ समय पर एक से अधिक कार्य शुरू करने की प्रवृत्ति रहती है इनमें। अपने कार्य क्षेत्र व्यवसाय में प्रायः परिवर्तन करते रहते हैं तथा प्रायः अपने परिश्रम, बुद्धि एवं चातुर्य के बल पर जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। नए नए मित्र बनाने में कुशल, बातचीत करने की कला में निपुण होते हैं और इनका जो व्यवसाय होता है, काम करने क्या क्या ये काम कर सकते हैं, क्रय विक्रय, पुस्तक लेखन, लेखाकार, अकाउंटेंट, बैंक अकाउंटेंट, वकालत, अध्यापन, इंजीनियरिंग, कलपुर्जों के कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं। इनका शुभ नग जो होता है, पन्ना होता है। स्त्रियों के लिए पुखराज भी अच्छा होता है। और इनका जो भाग्योदय का वर्ष होता है, समय होता है, 22वां साल, 32वां साल, 35वां साल, 36वां साल और 42वें साल इनके भाग्योदय का समय होता है। तो मित्रों, मैंने आप सबको आज मिथुन लग्न के बारे में बताया कि इस लग्न में जन्मे हुए जातक का स्वभाव कैसा होता है, इनका कार्य करने की शैली कैसी होती है। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आने वाले समय में हम आपको कर्क लग्न से जुड़ी हुई बातें बताऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।